गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप हिंदी फर्स्ट का पार्ट 6 छोटा जादूगर पढ़ेंगे। ये जो कहानी है ये जयशंकर प्रसाद की लेखनी है जो इन्होंने अपने खुद के अनुभव पर लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि एक छोटे बालक की कहानी है ये। इसमें छोटा बालक की मातृभक्ति, उसकी व्यवहार कुशलता, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से जूझने की उसकी असाधारण क्षमता का कुशलता से चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि हमें संकट के समय में अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए सदैव संघर्षरत्न रहना चाहिए, हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि एक छोटा जादूगर किस प्रकार संघर्षों से अपने जीवन के संघर्षों को अपने अनुभव से, अपने जो जीवन में सीखने की उसकी जो कला थी उससे वो किस प्रकार से प्रयत्नशील रहता है करने के लिए, और अपने जीवन का, अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। इसमें ये कहानी है एक छोटे से बालक की जो कार्निवाल के मैदान में लगे मेले में चुपचाप खड़ा है। उसके कपड़े फटे हैं व उसके गले में मोटी सी सूत की एक रस्सी पड़ी है। जेब में कुछ ताश के पत्ते पड़े हुए हैं। वहीं पास में लेखक खड़ा हुआ है, उस बालक को देख रहा है खड़े हुए। लेखक ने बालक से पूछा, क्या उस पर्दे के पीछे का खेल तुमने देखा है? तो बालक बोला, मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि उधर जाने के लिए पैसे लगते हैं, उधर जाने के लिए टिकट लगता है, टिकट पैसों से आता है जो मेरे पास नहीं है। तब लेखक ने कहा, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। खेल देखने के बाद लेखक ने बालक को शरबत पिलाया। लेखक ने बालक से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो बालक ने उत्तर दिया कि मेरे घर में बाबूजी हैं जो कि जेल में हैं, और एक माँ है जो बहुत बीमार है। तब लेखक ने कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है फिर भी तुम इधर तमाशा देखने आए हो? तो बालक ने कहा, तमाशा देखने नहीं आया बाबूजी, मैं तो कुछ पैसे कमाने की खातिर इधर आया था। ये सोचा कि इधर जाकर कुछ काम करूँगा, कुछ तमाशा दिखाऊँगा और पैसे कमाकर ले जाऊँगा जिससे मैं अपना और अपनी माँ का पेट पाल सकूँ। तो बालक कहता है कि आप मुझे शरबत ना पिलाकर मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे देते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो लेखक बालक को उस जगह ले गया जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था जिससे वो कुछ खिलौने कमाकर अपना खेल दिखा सके। बालक इतना होनहार था कि उसने एक भी गेंद को खाली नहीं जाने दिया और ढेर सारे खिलौने जीत कर ले आया। फिर बालक उन खिलौनों से जादू का खेल दिखाने लगा और अपना और अपनी माँ का पेट पालने लगा। समय गुजरता गया। एक बार बगीचे में लेखक अपनी पत्नी के साथ घूमने वहाँ आया था, तो वहीं पर छोटा जादूगर जो है वो अपना खेल दिखा रहा था। उसने साफ कपड़े पहने हुए थे, सिर पर रुमाल बंधा हुआ था। लेखक के पास आकर बालक बोला, आओ बाबूजी, आपको भी अपना खेल दिखाता हूँ। बहुत ही निपुणता से उसने सभी को अपना जादू का खेल दिखाया। लेखक ने सोचा कि आवश्यकता मनुष्य को शीघ्र ही बहुत चतुर बना देती है। ये छोटा सा बालक जिसके अभी खेलने कूदने की उम्र है और वो देखो कैसे काम कर रहा है, अपनी माँ का पेट पाल रहा है खेल खिलौने दिखाकर। तो उसने खेल दिखाए, पैसे भी कमाए और बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। कुछ दिनों बाद ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ दिनों बाद दोबारा से छोटा जादूगर लेखक को मिला। इस बार वह अपनी झोपड़ी के बाहर थोड़ा दूरी पर ही खड़ा खेल तमाशे दिखा रहा था। इस बार उसकी आवाज़ में वो खनक नहीं थी जो पहले थी, उतनी प्रसन्नता नहीं थी जो पहले थी। वह खेल दिखाता रहा, ऐसे खेल दिखा रहा था मानो उसके रोएं रो रहे हों। तो लेखक ने पूछा कि आज तुम्हारा खेल क्यों नहीं जमा? तुमने आज उस निपुणता से, उस प्रसन्नता से अपने खेल को नहीं दिखाया जैसे कि तुम पहले दिखाते थे। तो बालक ने बताया कि आज मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है,
उसने कहा था जल्दी आना, मेरा समय निकट है। लेखक ने कहा कि आज भी तुम खेल दिखाने आए, तुम्हारी माँ की इतनी तबीयत खराब है फिर भी तुम खेल दिखाने आए। तो बालक ने झुंझलाते हुए कहा क्यों नहीं आता। उसका कहने का अर्थ था कि पैसे कमाए बगैर जीवन नहीं चलता, चाहे जो भी स्थिति हो घर में कमाने तो आना ही है। लेखक बालक को लेकर उसकी माँ के पास पहुँचा। जैसे ही बालक झोपड़ी के पास आया, दौड़ता हुआ माँ माँ पुकारते हुए झोपड़ी के अंदर गया, किंतु उसकी माँ के मुख से सिर्फ बे निकल कर रह गया। उसका दुर्बल हाथ उठकर गिर गया। बालक उससे लिपटकर रो रहा था लेखक कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, और लेखक यह सब स्तब्ध होकर देखता रह गया। यह सोचता रह गया कि एक बालक के लिए ये सब कितना कठिन होगा करना, जो उसने इस छोटी सी भी उम्र में करके दिखाया है। तो ये इससे हमें, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और प्रयत्नशील रहना चाहिए। जितनी भी परिस्थितियां हों कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए और उन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।